भारत का एक मशहूर ठग जिसका नाम है नटवर लाल, एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे, एक ऐसा ठग जिसने ना जाने कितना बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, यहाँ तक कि इस ठग ने राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों यूं तो इस नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन लोगों को ठगने के लिए उसने कई नाम बदले। दोस्तों मिथिलेश कुमार का जन्म बिहार के सीवान जिले के बंगरा गाँव में सन 1912 में हुआ। मिथिलेश कुमार पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरों में कुछ और ही लिखा था। इसके ठगी के किस्से विदेश तक मशहूर है, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवर लाल के पड़ोस से ही हुई। दरअसल कुछ यूं हुआ कि एक बार मिथिलेश कुमार को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। बैंक जाते हुए मिथिलेश कुमार ने सिग्नेचर को कॉपी करने के बारे में सोचा और वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के जाली दस्तखत कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। उस समय 1000 रुपए का बहुत वैल्यू होता था। इस घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से से मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहां जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश चिढ़ गया। उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपया ठग लिया। इसके बाद वहां से भागकर नटवर लाल दिल्ली चला गया और दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी के दुकान में भेष बदलकर नटवर लाल पहुंचा और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DNA तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है, इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक घड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी बड़ी बिक्री के लालच से खुद को रोक नहीं पाया और अगले दिन नटवर लाल दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर दुकानदार को बोला कि आप अपने दुकान के एक स्टाफ को मेरे साथ भेज दो, मैं आपको बैंक ड्राफ्ट बनाकर स्टाफ के साथ भेज दूंगा। वहीं नटवर लाल बड़े बड़े अफसरों का जाली दस्तखत करने में माहिर था। उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने बैंक जाकर ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक में पता चला कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस कंप्लेन किया और पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री VP सिंह के नाम पर तो कभी UP के CM के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगा रहा और इसके बाद उसने फर्जी सरकारी कर्मचारी बनकर देश के राष्ट्रपति भवन तक को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जलसाजी में नंबर 1 नटवर लाल ने जब संसद भवन को बेचा था तब सारे संसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवर लाल ने फर्जी सरकारी कर्मचारी बनकर 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल की इमारतों को भी बेचा। जाली दस्तखत करने में माहिर नटवर लाल टाटा बिरला धीरूभाई अंबानी जैसे बिजनेसमैन से लेकर आम दुकानदारों पड़ोसियों तक के लाखों करोड़ों रुपए हड़पा था और वह इन बिजनेसमैन से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। पुलिस नटवर लाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामले लेकर ढूंढ रही थी। अपने जीवन काल में उसे 10 से ज्यादा बार पकड़ा गया और जेल भी हुई, लेकिन वह जेल से भी भाग जाने में माहिर था। 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। नटवर लाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब बढ़ती उम्र होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवर लाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। 84 की उम्र में नटवर लाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए नटवर लाल को सहारे की जरूरत होती थी। खैर 3 पुलिस वाले के साथ नटवर लाल दिल्ली स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं।
इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवर लाल को स्टेशन के बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वाले के जाने के बाद नटवर लाल ने पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास ही में चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गई। कई हफ्तों से दूसरे के सहारे खड़े होने वाला नटवर लाल बेंच पर नहीं था, इस बार भी वह जेल से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद नटवर लाल कहाँ गया किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी मशहूर ठग नटवर लाल की कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें।